आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जीएनएम ट्रेनिंग 2022 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी यूपी जीएनएम ट्रेनिंग 2022 में फॉर्म को फिल किया और आपका भी फर्स्ट राउंड में नहीं आया, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि यूपी जीएनएम ट्रेनिंग का सेकंड राउंड रिजल्ट जारी कर दिया है। और अगर आप लोगों का भी सेकंड राउंड रिजल्ट में नाम आ गया तो दोस्तों आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपने एडमिशन कब तक और कहाँ जाके आपको लेना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी लेके आए। साथ ही में बताएंगे कि अगर आप लोग भी अपना सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपने नाम को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अपने नाम को कैसे चेक कर सकते हैं, और आपका नाम लिस्ट में है तो दोस्तों आप लोग अपना एक नया एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी जीएनएम ट्रेनिंग की सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट को डाउनलोड एवं चेक करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन का, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चल रहा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जीएनएम ट्रेनिंग 2022 लिस्ट 453 सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे 30 पेजों की है, और इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके ये मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपने नाम को चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे पेज नंबर 2 पे डायरेक्ट आ जाना है। इन सारी डिटेल के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पेज नंबर 2 पे आने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जीएनएम ट्रेनिंग 2022 की 453 सिलेक्टेड कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन का लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, कैंडिडेट का नाम मिलेगा, फादर नेम मिलेगा, एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी देखने को मिलेगी, और उसकी स्टेट रैंक क्या है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपका भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नाम आ गया है तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के नाम देखने को मिलेंगे, उनका फुल एड्रेस देखने को मिलेगा। आप लोग उसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अपना वेरिफिकेशन कराने के बाद अपना एक नए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 453 सारे कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट लगी है। इसी लिस्ट को आपको यहाँ पे फाइंड करना है, अपना नाम को सर्च करना है, और अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में है तो दोस्तों आप लोग भी अपने सेंटर पे जाके अपना एक नया एडमिशन ले सकते हैं। फाइनली आप लोगों ने यहाँ पे अपना लिस्ट को चेक कर लिया, और अगर आपका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आ गया तो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाके अपने सेंटर वेरिफिकेशन करना है। लेकिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सेकंड मेरी लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो उन लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे सेकंड मेरी लिस्ट जारी की गई है, इसके बाद ये कैंडिडेट जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए इनमें से अगर ये लास्ट डेट तक अपना एडमिशन नहीं लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे थर्ड मेरी लिस्ट भी जारी होने वाली है, और जैसी थर्ड मेरी लिस्ट जारी होगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना जरूर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सेकंड मेरी लिस्ट में सिलेक्ट हुए उन कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाके और कब तक ले जाके अपने वेरिफिकेशन कराने के बाद अपना एडमिशन लेना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं 4/7/2022 से लेकर 7/7/2022 तक आपको अपने सेंटर पे जाना है, जो भी आपका एड्रेस यहां पे देखने को मिल रहा है इस सेंटर पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो। साथ ही में दोस्तों यहां पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसा कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, और आपने जो भी जाति प्रमाण पत्र EWS जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाया था या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया था फॉर्म को फिल करते वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग ओरिजिनल ले जाइएगा अपने सेंटर पे ताकि वो लोग वेरिफिकेशन करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। साथ ही में दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग कम्प्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों आपका जो एडमिशन है वो वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 2 पे भी इसकी सारी डिटेल देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लोग यहां पर देखिएगा जाति प्रमाण पत्र EWS, वर्तमान में चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। और यहां पे आप लोग
फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर ले जाइएगा, जो भी अपने फॉर्म को फिल करते वक्त कराए थे। साथ ही में आप लोग अपना फॉर्म को ले जाइएगा, उसके साथ फीस की रिसिप्ट मिली थी वो भी आपको ले जाना है और काउंसलिंग करा लेनी है। काउंसलिंग के बाद आपका जो एडमिशन है वो वहां पर हो जाएगा। सो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में समझ गए कि कैसे आप लोग यूपी जीएनएम ट्रेनिंग 2022 में सेकंड राउंड का रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, शेयर कीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।